चलिए ध्यान देना है, ए बराबर दिया हुआ है आप यू ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको निकालना है इसका सखंड आव्यूह। क्या निकालेंगे? सखंड आव्यूह ज्ञात करेंगे। ध्यान देना आपको यहाँ पे तीन कॉलम दिया हुआ है, जो खड़ी लाइनें होती है उसे क्या बोलेंगे? कॉलम बोलते हैं, और जो क्षैतिज लाइनें होती है उसे क्या बोलेंगे? पंक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम देखिए, पहला कॉलम C1 C2 C3 हो गया आपका। यहाँ पे R1 R2 और R3 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इसका सखंड आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? सखंड आव्यूह ज्ञात करना है। अब ध्यान देना आपको, लिखेंगे यहाँ पे कि A का सखंड, A का सखंड आव्यूह A11 बराबर। जब 11 लेते हैं इसका अर्थ होता है कि पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम। जब देखिए 1 को लेंगे, 1 लाइन क्या होगा? छूट जाएगा। ये अभी लाइन क्या होगा? छूटेगा। तो यहाँ पे गुणा कर दिए, 9 × 5 9 × 5 − 8 × 6 9 × 5 कितना होगा? 45 − 8 = 48 कितना बचा? -3 बचा। 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा, इसलिए सम संख्या है तो माइनस माइनस से रहेगा। आगे समय इसी प्रकार से A12 निकालेंगे, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। जब 2 को लेंगे, 2 वाली लाइन क्या होगा हमारा? छूट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे? 9 × 4 9 × 4 = 36 4 × 7 = 6 कितना होता है? 42। अब घटा दीजिए, 9 × 4 = 36 7 × 6 = 42 हो गया। कितना बचेगा आपका यहाँ पे? 6 हो गया। किसमें आएगा? माइनस में, लेकिन 1 और 2 क्या है? 3 होगा, तो विषम संख्या है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किसमें आ जाएगा ये? प्लस। आगे समय में इसी प्रकार से A13 निकालेंगे। जब A13 निकालेंगे यहाँ पे, A13 मतलब कि पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो हो गया तीसरा कॉलम। जब यहाँ पे 3 को लेंगे, 3 छूट जाएगा यहाँ पे हमारा। कितना मिलेगा आप? 8 × 32 − 7 × 5 = 35 कितना बचा? -3 बचा। जो 1 और 3 = 4 होगा, जो क्या होता है? सम संख्या होती है, इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा। आगे समय इसी प्रकार से आप निकालोगे A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। 4 बोलेंगे, 4 वाला लाइन छूट जाएगा और यह भी छूट जाएगा। अब कितना मिला? 9 × 18 − 8 × 3 = 24 कितना बचा? 18 घटाओ 24 कितना बचेगा? -6 बचेगा, लेकिन −2 × 2 और 1 = 3 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसी प्रकार से ये 2 निकालो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 5 को लेंगे तो पूरे लाइन छूट जाएगा आपका। 9 × 9 हो जाएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 7 × 3 कितना हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। घटाएंगे कितना बचेगा हमारा? 9 × 2 = 11 यानी हो गया हमारा 12 होगा आपका। किसमें आएगा? माइनस में आएगा, तो माइनस रह जाएगा। 8 × 2 = 3 निकालिए। जब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, जब इसको लेंगे हम, किसको? यहाँ पे 6 को लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम में, तो यहाँ ये लाइन छूट जाएगी हमारा, ये छूटेगा। 8 × 8 और 7 × 14 कितना बचेगा? -8 बचेगा, लेकिन 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है, इसलिए क्या हो गए? प्लस हो जाएगा। आगे समय इसी प्रकार से आप पुनः निकालेंगे, यहाँ पे एक और बचा हुआ है, यहाँ पे A31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम को लेंगे तो 6 × 12
दुना के 12 माइनस 5 तिहाई 15 कितना बचेगा माइनस 3, 3 और 1 4 होगा जो सम संख्या है तो क्या हो रहेगा माइनस में रहेगा। इसी प्रकार से ए 31 को लेंगे, जब ये 31 को लेंगे आप तो ये सॉरी 32 को लेंगे आप तो तीसरा रो दूसरा कालम, देखिए तीसरा रो दूसरा कालम यानी यहाँ पे 8 को लेंगे आप, यहाँ पे आप लेंगे इसको 8 को लेंगे आप तो 8 को लेंगे तो क्या करेंगे ये 8 वाला छूट जाएगा हमारा, ए लाइन छूटेगा 6 कमा 6 हो जाएगा, 6 कमा 6 4 12 6 माइनस 12 कितना बचेगा माइनस 6 बचेगा। इसी प्रकार से ये 33 को लेंगे 9 को लेंगे 9 में छूट जाएगा, 5 कमा 5 माइनस 4 गुना के 8 कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा, लेकिन ध्यान देना एक विषम संख्या तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब देखेंगे ए का सखंड आव्यूह, ए का सखंड आव्यूह, देखिए ए का सखंड आव्यूह आव्यूह बी बराबर, देखिए कितना मिला पहला माइनस तीन 6 माइनस 12 8 इसके बाद माइनस 3 और माइनस 16 नहीं है यहाँ पे प्लस है 6 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट बराबर क्या होता है बी डैश मतलब परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका बी डैश लेंगे यहाँ पे तो कालम का क्या हो जाएगा रो हो जाएगा -3 6 -3 6 -12 +6 इसके बाद -3 8 3 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर सर इस तरह से हम किसी भी आव्यूह का सखंड आव्यूह निकालते हैं जो पेपर में 6 नंबर का आता है, ठीक है।